सरोकार। प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आपको सीधे लेके चलते हैं आगरा, जहां की छावनी विधानसभा से सपा प्रत्याशी हमारे संवाददाता के साथ मौजूद हैं और बताएंगे कि चुनावी मुद्दे क्या हैं उनके और जानेंगे कि उनकी विधानसभा का कैसा है हाल। इस वक्त हम आगरा में मौजूद हैं और आगरा में हम चुनावी माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जिस विधानसभा सीट पर मैं खड़ा हूँ, ये आगरा की छावनी विधानसभा है और यहाँ से जो लड़ाई है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि जनता की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर प्रत्याशी लगातार कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जो हवा है, क्योंकि आज सुबह से ही थोड़ी जो ठंडी हवाएं हैं वो आगरा में चल रही हैं, लेकिन अगर राजनीतिक तापमान की बात करी जाए तो तापमान यहाँ का जो वो काफी गर्म है, क्योंकि लड़ाई जो है वो काफी अहम होती जा रही है, टक्कर की होती जा रही है। और उसी कड़ी में इस वक्त हम मौजूद हैं कुंवर चंद वकील साहब के साथ। ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है इस विधानसभा से, और इनका कहना है कि जो जनता के कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं, जिसमें यहाँ पर ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ पर सड़क की समस्या है, यहाँ पर नालों की समस्या है, साफ पानी की समस्या है, कई सारी प्रमुख समस्याओं से यहाँ की जो जनता है एक लंबे समय से जूझ रही है, और इस बार इन सारी समस्याओं का हल हो जाएगा अगर कुंवर चंद वकील साहब इस विधानसभा से जीत कर आते हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वकील साहब, कई सारी समस्याएं हैं, मैं कल भी यहाँ पर था इस विधानसभा में, मैंने बात की जनता से, अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी बात हुई है। ड्रेनेज की समस्या है, नालों की समस्या है, साफ पानी की समस्या, कई सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हल करने का सबसे आसान तरीका आपके मन में क्या है और किस तरह से क्या रणनीति तय करी गई है आप लोगों की तरफ से इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी अपने आप को जिताने के लिए? जी जी जी, धन्यवाद। देखिए, हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं तो समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं, स्थिति नाजुक है। अब हम लोग पूरा प्रयास अभी से कर रहे हैं कि सबको लिखित में ले रहे हैं कि कौन कौन सी स्थिति कहाँ पर कितनी भयानक स्थिति है। कई कई क्षेत्रों ऐसे हैं बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत ख़राब है, तो प्रायोरिटी पर लेकर के हम जो सरकार बनने के बाद प्रमुख रूप से हम उनको उठाएंगे और वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि आगरा को थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लीजिएगा आप। और ये आगरा की मेन विधानसभा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल इसी में आता है ना, ये दूर दूर से जो सैलानी आते हैं, क्या छवि बनाएंगे, इस तरह से हमने अपनी बात रखेंगे। तो इसको देखते हुए हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पर पानी की निकासी की समस्या हो, चाहे जल भराव की हो, सड़कों में गड्ढे की हो, एक बड़ा और मुद्दा यहाँ पर है वह पर्यटन का। पर्यटन में यहाँ लगभग 5 लाख लोग जुड़े हैं। कोरोना काल में जब 7-8 महीने लगातार ये क्षेत्र बंद रहा तो जो लोग जुड़े थे वो अपने घरों में परेशान हो गए। अब वो तनख्वाह उनका मांग रहे थे, लेकिन होटल से मालिक वो भी कहाँ से दें। गवर्नमेंट चाहती तो उनको होटलों का हाउस टैक्स माफ़ कर सकती थी, गवर्नमेंट चाहती तो बिजली के जो बिल हैं उनमें संशोधन कर सकती थी, राहत मिल जाती, उस राहत से वो लोग अपने जो वर्कर्स थे उनका थोड़ा सा सम्मान हो जाता। ये प्रमुख समस्या यहाँ की थी। एक सवाल मेरा ये है कि अभी आपने कहा कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, काम नहीं हुआ है, ठीक है, तो काम क्यों नहीं हुआ, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज, सरकार की तरफ से इस बात को कहा गया है कि आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो कितनी स्मार्टनेस अब तक निकल के सामने आई है बीते 5 साल की बात करी जाए? जी जी, देखिएगा, लोगों में पिछली सरकार के प्रति गुबार है, चाहे वो लाख बात करें स्मार्ट सिटी के बारे में, लेकिन अंदर अंदर गली गलियों में जाकर देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का कुछ भी नजर नहीं आता, और जब नजर नहीं आता तो लोकतंत्र में तो वही गुस्सा है, तो अपने गुस्से का इजहार करेंगे और लोग कह भी रहे हैं। पिछली बार हम पैसेंजर चला रहे थे, 60% का वोट कर रहे थे, आपकी बार एक्सप्रेस करेंगे, 90% का वोट करेंगे, गुस्से का इजहार करेंगे और सरकार बदलने का काम करेंगे। क्या रणनीति आप लोगों की और है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आगरा में जो 9 प्रमुख विधानसभा सीटें हैं, आपकी जो प्रमुख विधानसभा सीट है इसी में ताजमहल भी आता है, पर्यटन के क्षेत्र से काफी अहम है, यहाँ पर जो पर्यटक बाहर से आते हैं उनकी सुविधाओं के लिए क्या और बेहतर कदम आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई विशेष ऐसी बात नहीं है, हम तो जो पिछली सरकार की नाकामियां हैं, हम तो ये कहते हैं जब भी परिवार में कोई कष्ट आता है तो परिवार का मुखिया संभालता है, उधार लाओ, चीज बेचो, कुछ भी करो, कहीं से भी करो, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, देश के मुखिया माननीय मोदी जी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक खुद ही कहती है अब की वोट ना देनो, अब क्यों मैंने क्यों नहीं दोगे उनको, अरे नहीं हम तो भूखे मर गए, परेशान हो गए, सारी बात है। पब्लिक आपसे ये कह रही है जब आप बीच में जा रहे हैं, पब्लिक खुद ही अपना कह रही है कौन सी पार्टी दे हो, तो आ जाओ वो पार्टी, नहीं 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 वो पब्लिक खुद ही हमारे सामने, तो हम समझ जाते हैं कि ये कहीं ना कहीं दुखी है, इनके मन में गुबार है। तो मैंने गुबार को भैया आपकी बार कह नहीं हम सपा को, क्योंकि वो देख रहे हैं टेलीविजन, देख रहे हैं अखबार, देख रहे हैं लाखों की संख्या में लोग माननीय अखिलेश जी को सुनने के लिए आ रहे हैं,
10-10 घंटे 8-8 घंटे उनका इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उनमें लगाव पैदा हो गया है, भरोसा है उनसे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कुंवर चंद वकील साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधानसभा में विकास की बहुत सारी समस्याएं हैं जिन पर काम नहीं हो पाया है, और अगर हम जीत कर आते हैं तो उन पर काम बेहतर तरीके से किया जाएगा। आगरा से कैमरा पर्सन दीपक के साथ में नितिन, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।